नंबर हम लोग बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नेक्स्ट सीरीज के नेक्स्ट एपिसोड में जो कि हम लोग आज पढ़ेंगे डिस्कशन करेंगे एल्किल पर डिस्कशन करेंगे। एल्किल क्या रोल शो करता है, एल्किल को कैसे पहचानेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। तो एल्किल पर आज का हमारा लेक्चर होगा, आज का एपिसोड एल्किल पर होगा और एल्किल को हम सीखेंगे एल्किल क्या है। एक्चुअली एल्किल होता क्या है, एल्किल का फंक्शन क्या होता है। जैसे हाइड्रोकार्बन में आपको कुछ ऐसा दिखेगा, एक आर लिखा रहता है, उसके साथ मान लो एज्यूम करो एक एक्स होता है, आर और एक्स ऐसा आपको लिखा मिलता है। आर और एक्स को क्या नाम देते हैं, ये जो आर होता है यही आर जो होता है एल्किल होता है। दिस इज द एल्किल, आर क्या होता है एल्किल होता है, और जो एक्स होता है इस एक्स को हम कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। क्या कहते हैं, फंक्शनल ग्रुप कहते हैं इस एक्स को, हम लोग फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। और आर क्या कहते हैं, एल्किल कहते हैं। अब मैं जनरली आपको बताना चाहता हूं, ये जनरली आप जानते हैं जो एल्किल होता है ये हाइड्रोकार्बन, दैट इज हाइड्रोकार्बन में आप देखेंगे जो एल्किल होगा ये किसको शो करता है, फिजिकल प्रॉपर्टी को। किसको शो करता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज को, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज को शो कर देगा, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज शो करता है। और जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो किसको शो करता है, केमिकल प्रॉपर्टीज को। किसको शो करता है, केमिकल प्रॉपर्टीज को शो करता है। यहां पर आप देखें केमिकल प्रॉपर्टी, ये केमिकल प्रॉपर्टीज को शो करता है। किसको शो करता है, केमिकल प्रॉपर्टीज को। तो आर का मतलब होता है एल्किल, जो फिजिकल प्रॉपर्टी को शो करता है, और एक्स मतलब होता है फंक्शनल ग्रुप जो केमिकल प्रॉपर्टी को शो करता है। तो सबसे पहले हम आर और एक्स बनाना सीखते हैं, ये आर कैसे बनता होगा। तो आर आपका जो आर बना हुआ है दैट इज आर को एल्किल कहते हैं। ये बना कहां से है, ये बना है एल्केन से। कहां से बना हुआ है, एल्केन से, एल्केन। एल्केन का एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया जाए, दैट इज मिसिंग ऑफ वन हाइड्रोजन फ्रॉम एल्केन, मींस माइनस वन। मींस एल्केन चेन से एक हाइड्रोजन को मिस कर दिया जाए तो हमें क्या मिल जाएगा, एल्किल मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, एल्किल। दिस इज द एल्किल, ये आपको हो जाएगा एल्किल। क्या हो जाएगा, एल्किल। मतलब एल्केन से वन हाइड्रोजन को मिस कर दिया जाए क्या बन जाएगा, एल्किल। इमेजिन करो एल्केन में हम सभी जानते हैं कि जैसे मेथेन होता है, एक कार्बन क्या होता है, मेथेन। तो बताओ मेथ में आप खोल सकते हैं, एल का मतलब रूट वर्ड है, मैं इसको दो वर्ड में तोड़ रहा हूं, एल का मतलब रूट वर्ड, एन मतलब सफिक्स। ये क्या है, रूट वर्ड है, और ये क्या है, सफिक्स। क्या है आपका, सफिक्स है। तो एक्चुअली ये एल्किल में बचा क्या है, एल्किल आप खुद देख सकते हैं, जो एल्किल है ये आपका एल्केन्स रूट वर्ड और क्या है, सफिक्स होता है। जैसे जनरली देखें यहां पर मान लीजिएगा कि आपके सामने क्या है, एल्केन्स एल्किल कैसे बनेगा, फार्मूला क्या है, CnH2n+2 होता है एल्केन का फार्मूला। अगर हम एक हाइड्रोजन यहाँ पे कम कर रहे हैं तो एक वैल्यू कम हो जाएगी और एल्किल का हो जाएगा फार्मूला CnH2n+1। क्या हो जाएगा, प्लस वन। एज्यूम करो एक कार्बन का एल्केन है, एक कार्बन का एल्केन क्या होता है आप सभी जानते हैं, एक कार्बन का एल्केन क्या होता है, CH4 होता है। क्या होता है, CH4 होता है। तो बताओ CH4 को हमें क्या बताना है, CH4 मतलब एक कार्बन का मिथ, और मिथ में मिथ रूट वर्ड हो गया, और सफिक्स क्या होगा, मेथेन। लेकिन बताओ इसका हमें एल्किल बनाना होगा तो एक हाइड्रोजन मिस करना पड़ेगा, और हमें पता है एक कार्बनिक वैलेंसी चार होती है, उस चार वैलेंसी में हाइड्रोजन होंगे, लेकिन जब एक हाइड्रोजन मिस करेगा तो एक वैलेंसी कार्बन की फ्री हो जाएगी, वह सब्स्टिट्यूट का काम करेगी। मतलब ये एक प्रकार सीट का काम करती है कि कोई आकर इस सीट पर बैठ जाए, मतलब ये ऐसा काम करती है किसी अदर ग्रुप को मैसेज देगी कि आप मेरी इस वैलेंसी के साथ क्या कर ले, बॉन्डिंग कर ले। दैट इज ये सीट क्या करती है, सब्स्टिट्यूट का काम करती है, मतलब किसी और को बैठने की आमंत्रण देती है कि आप आकर बैठिए। एल्किल वही चीज होता है कि आर यहां पर देखो बैठने के लिए किसको बनाया है, एक्स को बनाया है। तो मतलब जब तक एल्किल नहीं बनेगा तब तक कोई भी
सब्स्टिट्यूएंट वहां पर आकर बैठेगा नहीं, मतलब कोई फंक्शनल ग्रुप आकर वहां पर बैठेगा नहीं। तो फंक्शनल ग्रुप को अगर बैठाना है एल्केन के साथ, एल्केन में अगर फंक्शनल ग्रुप को बैठाना है तो एल्केन को क्या बनना होगा, एल्कील बनना होगा। क्या बनना होगा, एल्कील बनना होगा। तो इमेजिन करो इसका जो नाम होगा, एक कार्बन मतलब मिथ होता है और मिथ मेथेन हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका मिथ में क्या हो जाएगा, मिथ में क्या हो जाएगा, वाइल दैट इज मिथाइल। यहाँ पे क्या है एल्क का है, एल्क क्या है रूट वर्ड, सॉरी एल्क आपका क्या है रूट वर्ड है, और वाइल क्या है सफिक्स होता है। क्या होता है सफिक्स होता है। मेरा अपना ये ट्रेंड करता है कि एल्कील में एल्क रूट वर्ड है और वाइल क्या है सफिक्स है, सफिक्स है। अब नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। C2 या 6 अगर फार्मूले से आप देखें तो C2 या 6 क्या है, एथेन होगा, दो कार्बन मतलब दो दूनी चार का दुगुना, फार्मूले अकॉर्डिंग कार्बन का डबल का दो ज्यादा एथेन होगा, इससे एक हाइड्रोजन मिस कर दो क्या बन जाएगा C2H5 हो जाएगा, इसका मतलब एक बॉन्ड फ्री हो गया, और ये आपका दो कार्बन मतलब जो था ये क्या है बताओ, इसको अगर आपको नहीं समझ मारा तो इसको आप दिखा दें, पहले कार्बन कार्बन बॉन्डिंग दिखा दें, और फिर एक कार्बन कितने हाइड्रोजन मिल रहे हैं, तीन मिल रहे हैं, कितने मिल रहे हैं तीन मिल पा रहे हैं, तो ये आप ये देख पा रहे हैं ये बॉन्डिंग हो गई, ये क्या हो गई बॉन्डिंग हो गई। आप बताओ ये क्या हुआ, इसमें क्या है, पहले कार्बन कार्बन बॉन्डिंग कर दो, पांच हाइड्रोजन में एक को तीन हाइड्रोजन मिलेगा, एक को कितने मिलेगा दो मिलेगा, दिस इज द हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, एक बॉन्ड फ्री एक सीट खाली, वह सीट किसके लिए बन रहा है फंक्शनल ग्रुप के लिए बन रहा है। अब इमेजिन करो सब्स्टिट्यूएंट के लिए बन रहा है, अब इसको देखो क्या नाम हम पढ़ेंगे, दो कार्बन की चेन को क्या नाम देते हैं एथ देते हैं, और बताओ इसका सफिक्स क्या होता है एन एथेन होगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा एक हाइड्रोजन क्या है रिप्लेस है, इसमें क्या होगा एथ में क्या होगा, एथ में क्या जोड़ेंगे बताओ, एथ में जोड़ेंगे वाइल, एथ में क्या जोड़ेंगे वाइल, रूट वर्ड क्या होता है दो कार्बन का एथ होता है, सफिक्स क्या होता है वाइल, दैट इज इथाइल हो जाएगा, क्या हो जाएगा इथाइल हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं अगर इसी को हम क्या करें CH3 CH2 CH2 और CH3, इमेजिन करो ये क्या था, अभी हमने इसका नाम पढ़ा था ये प्रीवियस लेक्चर्स में, ये लीनियर चेन में है और कितने कार्बन है 4 कार्बन, ये क्या होगा यानी ब्यूटेन होगा, अगर यानी ब्यूटेन को हम क्या कर दें उसकी एंड वाले कार्बन से मतलब फर्स्ट कार्बन से अगर माना जाए एक हंड्रेड रिप्लेस कर दें, एक हंड्रेड रिप्लेस कर दें किस वाले से प्राइमरी कार्बन से, दैट इज फर्स्ट डिग्री कार्बन से, फर्स्ट डिग्री कार्बन का मतलब क्या होता है ऐसा कार्बन जो कितने कार्बन जुड़ा हो वन कार्बन, द कार्बन अटैच विद वन कार्बन दैट इज सिंगल कार्बन उसे फर्स्ट डिग्री कहते हैं, एंड अटैच विद सेकेंड कार्बन सेकेंड डिग्री कहते हैं, अटैच विद थर्ड कार्बन उसे क्या कहते हैं थर्ड डिग्री कहते हैं। तो बताओ इसमें प्राइमरी ये होगा क्योंकि ये एक कार्बन अटैच है, और ये बताओ अगर डिग्री के बेसिस देखें तो प्राइमरी फर्स्ट डिग्री ये बन रहा है क्योंकि वन अटैच है, और प्राइमरी ये बन रहा है क्योंकि वन अटैच है, लेकिन ये सब क्या बन रहे हैं सेकेंड डिग्री, ये भी सेकेंड होगा ये भी सेकेंड होगा, तो फर्स्ट डिग्री से एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दो, रिप्लेस कर दो तो रिप्लेस हुआ क्या हो जाएगा, चाहे इससे करो चाहे उस साइड करो, तो मैं आपको वहां से कर रहा हूं CH3 CH2 आपका CH2 होगा, और यहां पे CH2 होगा ए बॉन्ड फ्री होगा, इसका नाम हो जाएगा N ब्यूटाइल, जिसको सिंपल भाषा में लिखते हैं N ब्यूटी, सिंपल सिंबल N ब्यूटी लिखते हैं, N ब्यूटी सिंपल सिंबल होता है। अब इसी प्रकार हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल क्या कह रहा है उसको देखते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल क्या है आइसोब्यूटेन पढ़ा गया कि नहीं, आइसोब्यूटेन मतलब क्या होता है लीनियर चेन को तोड़ दो, बताओ क्या होगा CH3 एक चेन से बाहर कर दो, ये क्या हो जाएगा CH3 या पर CH2 ये क्या हो जाएगा आपका, ये बताओ CH3। आप बताइए एक चेन से बाहर हो गया इसका नाम क्या है, इसका नाम है आइसोब्यूटेन। मैंने बताया था कि कंटीन्यूअस लीनियर चेन से एक कार्बन मिस कर जाए दैट इज ब्रांच में चला जाए उसे क्या कहते हैं आइसो
एल्केन कहते हैं आइसोब्यूटेन, क्योंकि कितने कार्बन, 1, 2, 3, 4 है आइसोब्यूटेन। बताओ इसका हमें क्या करना है, एल्किल बनाना है। तो क्या करेंगे इसका एल्किल, इसका एल्किल बनाने के लिए क्या करेंगे, प्राइमरी फर्स्ट डिग्री साइड रिप्लेस करना है। फर्स्ट डिग्री से रिप्लेस करेंगे तो क्या बनेगा, फर्स्ट डिग्री ये होगा, ये फर्स्ट डिग्री होगा, ये क्या होगा थर्ड डिग्री होगा, ये भी फर्स्ट डिग्री, फर्स्ट डिग्री से रिप्लेस करना है। जब फर्स्ट डिग्री से रिप्लेस करेंगे, ये देखो कार्बन फर्स्ट डिग्री में है और ये भी फर्स्ट डिग्री, हमें फर्स्ट डिग्री से रिप्लेस करना है। जब फर्स्ट डिग्री से रिप्लेस करेंगे जिसका नाम क्या होगा, चाहे इस फर्स्ट से चाहे इससे, तो हो जाएगा आइसोब्यूटाइल। क्या हो जाएगा, आइसोब्यूटाइल, दैट इज सी एच थ्री। हम यहाँ से खड़े मिस करेंगे, ये क्या होगा सी एच थ्री, ये सी एच होगा और यहाँ पर मिल लेता है सी एच टू, दिस द फ्री बॉन्ड, इसका नाम क्या हो गया आइसो क्या ब्यूटाइल। तो इसको सिंपली उद्घाटन कर देता आइसोब्यूटी, आइसोब्यूटी इसका होता है सिंपल सूत्र, इसका सिंपल फार्मूला, दिस द आइसो ब्यूट होता है, आइसो ब्यूट होता है। नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं, नाउ नेक्स्ट, नाउ नेक्स्ट, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल, ये आपका क्या है सी एस थ्री, सी एस थ्री, ये भी क्या है, बोलो इसका क्या नाम है, इसका नाम भी प्रीवियस लेक्चर में बताया गया था, ये किस में है, ये किस में है, नियो में है, कितने कार्बन, 5, नियोपेंटेन, क्या है नियोपेंटेन, नियोपेंटेन के फर्स्ट डिग्री से, फर्स्ट डिग्री ये होगा, ये होगा फर्स्ट डिग्री, तो वन कार्बन अटैच विद वन कार्बन, इसमें फर्स्ट डिग्री कितनी दिख रहे हैं, चारों फर्स्ट डिग्री है, लेकिन ये क्या क्वार्टरली है, देखो ये कार्बन कितने कार्बन जुड़ा है, 1, 2, 3, 4, लेकिन ये कितने जुड़ा है, 1, ये भी कितने, 1, तो फर्स्ट डिग्री का हाइड्रो रिप्लेस करना, फर्स्ट डिग्री का हाइड्रो रिप्लेस करो, किसी से भी रिप्लेस कर दो, तो हम इसको लिख लिख रहे हैं सी एस थ्री, ये हो जाएगा सी एस थ्री, ये भी क्या होगा सी एस थ्री, यहाँ मिल गया सी एस टू वन, इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा नियो क्या, नियोपेंटाइल, जैसे पेंटाइल, नियोपेंटाइल, जिसको सिंपली फॉर्मूला नियो, दिस द नियो नियोफेन के रूप में इंडिकेट कर। अब इमेजिन करो, अगर यही आपका जो दिख रहा है, इसको जो दिख रहा है, ये जो आपका दिख रहा है, इसका एक नेमिंग और होती है, इसको जनरल वर्ड में पढ़ा जाता है, इसको पढ़ेंगे 1, 2, 3, 4, इसको आप इसको देखेंगे, अगर ये टर्शरी, इसे इमेजिन करो, ये आपका कोई अगर इस टाइप को, इसको भी हम क्या पढ़ेंगे, ये भी क्या है आपका आइसो, क्या है आइसो ब्यूटेन ही है, आइसो ब्यूटेन है, और इस आइसो ब्यूटेन के थर्ड डिग्री से क्या निकालते हैं, थर्ड डिग्री से, अगर थर्ड डिग्री से हाइड्रोजन को मिस कर दिया जाए तो ये जो आइसो एल्केन होगा वो आइसो एल्कीन में जाएगा, लेकिन उसका जो नाम होगा, उसका जो नाम होगा कुछ अजीब होगा, उसका नाम होगा सी एस थ्री, ये भी होगा सी एस थ्री, ये बॉन्ड थ्री होगा, तो जो बॉन्ड थ्री है किस कार्बन से थ्री है, ये कार्बन ऐसा कार्बन है जो कितने कार्बन जुड़ा है, 1, 2, 3, इसलिए इसको पढ़ते हैं टर्शरी, क्या पढ़ते हैं इसको पढ़ेंगे टर्शरी, टर्शरी, इसको टर्शरी क्या बोलेंगे, टर्शरी ब्यूटाइल, इसको क्या पढ़ेंगे टर्शरी ब्यूटाइल पढ़ेंगे, ये टर्शरी ब्यूटाइल भी पढ़ा जाएगा, मींस आइसोब्यूटेन में अगर वो हाइड्रोजन मिस जो कर रहा है, कहां से कर रहा है, थर्ड डिग्री वाले से कर रहा है, थर्ड डिग्री वाले से कर रहा है, तो वो क्या बना देगा टर्शरी ब्यूटाइल करेगा, लेकिन जब वो फर्स्ट डिग्री वाले से कर रहा था क्या बन पाता था, आइसो, आइसो एल्किल बनाता था, लेकिन थर्ड डिग्री से क्या बना दिया, आप ये देख पा रहे कि ये ऐसा हो जाता है, लेकिन अगर इमेजिन करो यही वाला अगर ये इस टाइप से बनाता है सी एस थ्री, और ये सी एस थ्री है, और ये सी एस थ्री है, और ये एच है, अगर ये प्राइमरी से रिप्लेस करता, अगर ये प्राइमरी से रिप्लेस करता, तो फर्स्ट डिग्री से करता, इसका नाम क्या है आइसो ब्यूटेन है, अगर ये प्राइमरी से रिप्लेस करता तो इसका क्या हो जाता सी एस थ्री, और ये भी क्या होगा सी एस थ्री, और ये एच है, यह क्या हो जाता सी एस टू, एक बॉन्ड थ्री, इसका नाम होता आइसो, आइसो क्या होता है इसका नाम आइसो, ये ब्यूटेन था ना आइसो ब्यूटाइल होता आइसो ब्यूटाइल, लेकिन ये टर्शरीस करने से इसका नाम क्या हो गया टर्शरी ब्यूटाइल, क्या गजब है, क्या गजब नाम चेंज हुआ, आइसो ब्यूटाइल और टर्शरी ब्यूटाइल में कंफ्यूजन स्टूडेंट में होता है, तो अगर प्राइमरी से होगा तो आइसो ब्यूटाइल होगा, टर्शरी से होगा
तो टर्शियरी ब्यूटाइल होगा, ये हुआ आपका एल्किल का मींस। और एल्किल्स जो होते हैं हाइड्रोकार्बन चेन में मींस जो आपका फॉर्मूला होता है RX जो लिखा जाता है जनरल वर्ल्ड में, इसे R से इंडिकेट करते हैं। अब वो R नंबर ऑफ कार्बन डिपेंड करेगा, 1 कार्बन होगा तो मिथाइल, 2 का होगा इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, एन टाइप में है कि आइसोटाइप में है कि जेन टाइप में है, उसको देखते हुए न्यू टाइप में है उसकी नेमिंग की जाती है। और ये जो R होता है वो किसको शो करता है, फिजिकल प्रॉपर्टी, किसको करता है, फिजिकल प्रॉपर्टी को।